सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और विधानसभा के ठीक सामने, लोक भवन के ठीक पीछे, सहकारिता भवन के बगल में और बापू भवन के ठीक सामने एक जगह है जो जगह लगभग 500 वर्षों से सम्मान पा रही है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर महासभा कहते हैं। इस स्थान पर भारत के गणमान्य लोग हमेशा आते रहे हैं। आदरणीय सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति, जो हमारे बीच आजकल नहीं है, केआर नारायण जी यहां आए थे, उन्होंने अपने हाथों से बोधि वृक्ष लगाया था। पीछे आप देख रहे होंगे बुद्ध विहार बना हुआ है, यहां बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, आप देख सकते हैं ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और मैं ये आपको आज वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा हमें खाली करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं खाली करना चाहते हैं तो कम से कम 72,000 रूपये एक महीने का किराया दें। ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर खाली करा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी का दिल्ली में घर खाली करा लिया गया है, और घर खाली करके उस घर में अरुण मिश्रा चीफ जस्टिस को रहने के लिए दिया गया है। वैसे ही ये महासभा आज खाली कराने का आदेश आ गया है। ये महासभा पूरे भारत के पूरे बहुजनों के मान सम्मान का केंद्र है। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि और कहीं हम नहीं जाने वाले हैं, महासभा इतनी अच्छी जगह है, ये इतना स्थान बढ़िया है कि जहां बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं, यहां हम खाली से करके नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार बर्बरता पर उतर आई है, बिल्डोजर की धमकी दे रही है, और अगर ये महासभा अतिशीघ्र खाली नहीं की गई तो यहां बिल्डोजर योगी जी चला सकते हैं, ऐसा फरमान जारी हो गया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये जो स्थान है जहां तथागत भगवान बुद्ध के पीपल का वृक्ष लगाया गया, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, धम्म चक्र लगा है, पीछे बहुत बड़ा कार्यालय है, इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां, बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं, क्या ऐसे स्थान को कुचलना चाहिए? इस भाजपा सरकार को, योगी सरकार को, क्या इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए? लेकिन वो लोग बर्बरता पर उतर आए हैं और उसे हर कीमत पर खाली कराना चाहते हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका साथ दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुल्हाड़ी लकड़ी को तभी काट पाती है जब कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के गद्दार हैं, जो चाहते हैं कि स्थान खाली करा दिया जाए और इसके बदले में कोई बड़ी जगह ले ली जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी जमीन से जुड़े हुए हैं और इससे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, लगाव है, क्योंकि पूरे लखनऊ में इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि जगह खाली न कराई जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जगह ऐसी ही बनी रहे, खाली न कराई जाए, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब के आंदोलन से, बुद्ध के आंदोलन से प्रभावित है, कुछ काम करना चाहती है तो यहीं वो डेवलपमेंट करा दे, इसका विकास करा दे, लेकिन महासभा का स्थान यही रहना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे भारत के लोग आकर के यहां बैठते हैं और धम्म और मिशन की चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी जो कमेटी है, उस कमेटी की क्या राय है, कुछ लोग कमेटी के ये चाहते हैं ये स्थान बना रहे, कुछ लोग कमेटी के चाहते हैं इसके बदले का स्थान मिल जाए, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं अजय बौद्ध भिक्षु बहुजन आंदोलन का मुख हूं, बहुजन आंदोलन का वाहक हूं, तो मैं अपील करता हूं कि इस स्थान को बचाने के लिए सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस डॉक्टर अंबेडकर महासभा को बचाना चाहिए। अगर आप लोग आगे नहीं आए, आपने बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया, तो योगी सरकार इस पर बुलडोजर बहुत जल्दी चलाने वाली है। मैं ये सूचना देने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।